मूवी की शुरुआत में हमें गांव में एक औरत को बच्चा होते दिखाया जाता है, लेकिन उस औरत को एक लड़की होती है। तो लड़की का पिता उसे दूध में डुबाकर भगवान को भेंट कर देता है, क्योंकि उस समय एक लड़की का होना अपशगुन माना जाता था, इसलिए सभी लोग लड़के ही चाहते थे। फिर दूसरे गाँव में एक परिवार को दिखाया जाता है। इस परिवार में रामशरण और उसके 5 बेटे थे, पर किसी भी बेटे की अब तक शादी नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय लड़की पैदा होते ही मार दी जाती थी। ये लोग घर के काम के लिए रघु नाम के बच्चे को रखे हुए थे, जो एक नीचे परिवार का था। अब यहाँ पर बड़ा बेटा राकेश रामशरण से कहने लगता है कि वो जल्दी से उसकी शादी करवा दे, क्योंकि उसकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी। रामशरण बोलता है वो उसके लिए लड़की ढूंढ रहा है, पर गांव में क्या, आसपास के गांव में भी कोई लड़की नहीं मिल रही। ये सुनकर राकेश और उसके भाई खाना बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, बस सूरज को छोड़कर, क्योंकि वो उसका एक संस्कारी लड़का था। फिर एक रात गांव के काफी सारे लोग एक घर में टीवी देखने जाते हैं, जो कि इनका थिएटर था। यहाँ ये लोग जोनी को देखते थे। अब यहाँ पर काफी सारे बूढ़े लोग रोने लगते हैं, क्योंकि लड़कियों की कमी की वजह से आज तक भी उनकी शादी नहीं हुई थी। वहीं ये फिल्म देखते हुए राकेश के अंदर चूल मचने लगती है और वो बाहर जाकर एक जानवर पर अपनी हवस मिटाता है। फिर अगले दिन रामशरण गांव के पंडित को बुलाकर बोलता है वो कहीं से भी एक लड़की का इंतजाम करे, वो अपने बेटों की शादी के लिए लाखों रुपए देने को तैयार है। ये सुनकर पंडित इस काम पर लग जाता है। वहीं राकेश एक टीचर होता है, तो स्कूल में पप्पू नाम का एक टीचर उसे बताता है कि उसकी शादी होने वाली है, इसलिए उसे भी शादी में आना होगा। ये सुनकर राकेश काफी जेलस होता है और एक बच्चे को बिना बात के पीट कर उस पर गुस्सा निकालता है। इसके बाद शादी का दिन दिखाया जाता है, जहां पप्पू का पिता लड़की के पिता को 5 लाख रुपए और 2 गायें देता है, जिसके बाद शादी होने लगती है। तो यहां एक लड़का पंडित के कान में कुछ कहता है, जिसके बाद पंडित दुल्हन बनी लड़की का पजामा खींच देता है, तो सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो लड़की नहीं एक लड़का था। लोग पैसों के खातिर अपने लड़के को लड़की बनाकर शादी करवा देते थे और बाद में पैसे लेकर भाग जाते थे। इसी तरह ये लोग भी पैसे लेकर भाग जाते हैं। इसके बाद एक दिन पंडित किसी काम से एक दूसरे गांव में गया हुआ था। अंधेरा होने की वजह से वो वहीं रुक जाता है, लेकिन जब अगली सुबह उठकर नदी के किनारे फ्रेश होने के लिए जाता है, तो पास में ही किसी लड़की के गुनगुनाने की आवाज सुनता है। पंडित जाकर देखता है तो एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है, पर तभी वो लड़की पंडित को देखकर अपने घर भाग जाती है। पंडित भी उसका पीछा करते हुए जाता है, तो उस लड़की के पिता से मिलता है, जिसका नाम प्रताप होता है। पंडित के पूछने पर प्रताप बताता है अगर गांव वालों को उसकी लड़की के बारे में पता चल जाता, तो वो उसे जंगली भेड़िये की तरह नोच नोच कर खा जाते, इसलिए गांव से दूर यहां जंगल में रहता है। अब यहां पर पंडित उसे अपनी बेटी कल्की की शादी रामशरण के परिवार में करने को बोलता है, जिसके लिए वो उसे 1 लाख रुपए देंगे। ये सुनकर प्रताप मान जाता है, तो पंडित जल्दी से रामशरण के पास पहुंचकर उसे और सूरज को लेकर वापस यहां आता है। तो प्रताप राकेश की फोटो देखकर बोलता है कि वो अपनी बेटी की शादी राकेश से नहीं बल्कि सूरज से करना चाहता है, क्योंकि सूरज उसे एक अच्छा और संस्कारी लड़का दिखाई देता है। पर यह सुनकर रामशरण वापस जाने लगता है, तो वो सोचने लगता है कि कल्की की शादी सूरज के साथ करने में ही सही रहेगा, क्योंकि वो उसकी सारी बात मानता है। पर इसके कुछ दिन बाद दिखाया जाता है रामशरण प्रताप को 5 लाख रुपए और 5 गायें देकर कल्की की शादी अपने 5 बेटों से करवा देता है, जिसके बाद ये लोग कल्की को लेकर घर आते हैं। तो सुहागरात मनाने के लिए बड़ा बेटा राकेश बोलता है कि पहले वो ही जाएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। पर तभी रामशरण बोलता है कुत्ते कमीनों, अपने बाप के बारे में भी नहीं सोचा, तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद मैंने सालों तक खुद को कैसे रोका, मैं ही जानता हूँ, इसलिए पहले मैं जाऊँगा। ये बोलकर रामशरण अंदर जाकर कल्की के साथ कांड करता है। पर अगली सुबह होने पर कल्की को पता चलता है वो कोई उसका पति नहीं बल्कि ससुर है। इसके बाद सभी भाई एक एक दिन करके कल्की के साथ कांड करके निकल जाते हैं, मतलब कि वो उसे सिर्फ हवस मिटाने का एक खिलौना समझने लगे। पर जब सबसे छोटे बेटे सूरज की बारी आती है, तो वो कल्की के पास जाता है, पर इस दिन कल्की की तबीयत ठीक नहीं होती, तो वो इंटीमेट न होकर उसकी कंडीशन समझ कर बातें करने लगता है। और इसी तरह सूरज कल्की का काम में हाथ भी बटाने लगता है, जिससे कुछ ही दिनों में ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और इसी वजह से कल्की अपने बाकी पतियों को अपने पास आने से रोकने लगी। तो सभी भाई और रामशरण सूरज से जलने लगते हैं कि उसने ही उनका काम खराब किया है, अपनी हवस के लिए ये लोग इतना गिर सकते हैं, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। और एक दिन वो चारों भाई सूरज से छुटकारा पाने के लिए उसे मार डालते हैं, जिससे अब कल्की भी अकेली हो जाती है। सभी भाई और रामशरण कल्की के साथ हर दिन कई बार इंटीमेट होते, पर कल्की चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। फिर एक दिन वो रघु के हाथों अपने पिता को एक चिट्ठी भेजती है, तो अगले ही दिन प्रताप यहाँ आकर बात करता है। यहाँ रामशरण प्रताप को 1 लाख रुपए और देता है, क्योंकि वो भी बिना बताए कल्की के
के साथ सो रहा था, लेकिन प्रताप के इस घटियापन के बाद भी कल्कि उसके पैर छूकर यहाँ से भेज देती है। भले ही वो इन भेड़ियों से उसकी रक्षा न करे, पर वो उसे खुश देखना चाहती थी। अब उसके जाने के बाद राकेश और बाकी भाई कल्कि को बुरी तरह पीटने लगते हैं। उसकी वजह से उसका पिता यहाँ आया और उन्हें 1,00,000 का चूना लगा गया। अब मार खाने के बाद कल्कि रघु को बोलती है वो उसे यहाँ से आजाद होने में उसकी मदद करे। तो अगली सुबह ही रघु कल्कि को लेकर यहाँ से भागने लगता है, पर रास्ते में ही राकेश और बाकी भाई इन्हें देख लेते हैं तो वो रघु को वही मार डालते हैं और कल्कि को घर ले जाकर गाय के झोपड़े में बांध देते हैं। वहीं जब रघु के भाई और चाचा को पता चलता है कि रामशरण के बेटों ने ही रघु को मारा है, तो अब वो बदला लेने की सोचकर इनके घर आते हैं। और जब रघु का चाचा कल्कि को गाय के झोपड़े में बंधा पाता है तो बोलता है उसकी वजह से ही ये सब हुआ है, इसकी सजा तो उसे मिलकर ही रहेगी। और तभी वो उसके साथ कांड करने लगता है। कांड करने के बाद ये लोग वापिस जाकर बिरादरी के लोगों को भड़काने लगते हैं कि बड़े लोगों ने उनके बच्चे को मार डाला। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं तो कल्कि प्रेग्नेंट हो जाती है, तो रामशरण उसे वापिस से घर में रखने लगता है। पर सभी के बीच ये कंफ्यूजन होता है कि उस बच्चे का पिता कौन है। तो रामशरण बोलता है सबसे पहले उसी ने उसके साथ कांड किया था, इसलिए वो बच्चा उसी का है। पर जब इसकी खबर रघु के चाचा को लगती है तो वो ये अफवाह फैला देता है कि कल्कि के बच्चे का बाप रघु का भाई है, क्योंकि उसका चाचा अब कल्कि को अपने पास रखना चाहता था। इसके बाद ये लोग कल्कि को लेने के लिए रामशरण के घर जाते हैं, पर यहाँ रामशरण और उसके बेटे गुस्सा होकर इन पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसमें रघु का भाई मारा जाता है। बाकी लोग भाग जाते हैं तो ये सभी भाई कुछ लोगों के साथ उनका पीछा करते हुए इनके इलाके में पहुंच जाते हैं। और तभी रघु का चाचा अपने सारे लोगों के साथ इन पर धावा बोलकर सबको मार डालता है। अब इस चीज से रामशरण गुस्सा होकर कल्कि को मनहूस बोलता है और जैसे ही उसे जलाने लगता है तो तभी इनका नया नौकर चाकू लेकर रामशरण को मार डालता है। वहीं गांव के बाकी लोग भी एक दूसरे के साथ लड़कर मारे जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद कल्कि एक बच्ची को जन्म देती है, पर कल्कि दुखी होने की बजाय काफी खुश थी। इस फिल्म में इंसान की हैवानियत को दिखाया गया है, जो बेटी होने पर उन्हें मार डालते हैं, लेकिन बिस्तर पर हर किसी को एक औरत की जरूरत होती है। बस इसी पॉइंट पर ये मूवी एंड हो जाती है।